हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार एंड दंडवत प्रणाम। योगिनी एकादशी की सबको शुभकामनाएं। ये योगिनी एकादशी की मैंने तैयारी शुरू की एक दिन पहले। तो बोलते हैं शाम को एकादशी लग ही जाती है, तो दिन में मेरा विचार आया तो मैंने थोड़ा थोड़ा कटिंग शुरू की। मैंने बोला कि ठाकुर जी के पास कॉटन के कपड़े नहीं हैं, तो चलो मैं ट्राई करती हूँ, एक ड्रेस मैं ही बना के कल एकादशी पे पहनाती हूँ। तो उनके पास कुछ हैवी हैवी ड्रेसें हैं, ब्लैक कलर और कुछ सम अदर कलर हैं, जो मतलब मुझे लगा कि नहीं, गर्मी में नहीं, थोड़ा लाइट कलर और कॉटन का पहनाती हूँ। कपड़ा मैं कतरन मार्केट से लाई हुई हूँ, बहुत सारा पड़ा है। ये मैंने किसी से सिलवाना था, किसी के साथ बात हुई थी, वो सिल के देंगे, पर उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया सिल के देना। तो मैंने बोला कि अभी मैं उनका वेट कितना करूँगी, तो चलो थोड़ा थोड़ा मैं ही स्टार्ट करती हूँ। आता तो नहीं है, मैं भी यूट्यूब से देख देख के कटिंग करती हूँ, यूट्यूब से देख देख के सिलती हूँ। आड़े तिरछे मतलब थोड़ा कमी पेशी आती है, पर ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। पहले भी मैंने सिले हैं, थोड़े गलत मलत सिल जाते हैं, पर मैं ट्राई ज़रूर करती रहती हूँ। कहते हैं कोशिश ज़रूर करते रहने चाहिए, कोशिश कर करके मैं अच्छी तरह सिलना सीख जाऊँगी। तो ये ड्रेस मैंने योगिनी एकादशी के लिए तैयार किया है, और उनको मैं योगिनी एकादशी पे कल पहनाऊँगी। तो ये व्लॉग मतलब एक दिन पहले का है, तो एक दिन पहले मैंने मतलब सिल, ये है कि अगर आप कोशिश करना शुरू करते हो, काम कठिन नहीं है। मैंने सिर्फ कटिंग में टाइम लगा था मेरा, सिलने में मुझे कोई टाइम नहीं गया, और मैंने शायद 2 घंटों में सबका ड्रेस सिल लिया था। लड्डू गोपाल का भी, तीनों लड्डू गोपाल के, शालग्राम का और राधा कृष्णा का पूरा ड्रेस सिल लिया था। और आपको मैं आगे आगे बताऊंगी कि उसमें मैंने क्या क्या किया है, चेंजेस किए हैं उनके। मैंने दुपट्टे नहीं बनाए हैं, और ज्वेलरी मैंने मतलब ब्लू के साथ सिल्वर का कॉम्बिनेशन रखा था। दुपट्टे मैंने एक पहले होली का ड्रेस मंगवाया था, उसके साथ था, तो मैंने बोला चलो वाइट का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो मैंने उसके साथ वाइट का कॉम्बिनेशन कर दिया। तो बहुत मतलब बहुत, जब मैं इनको तैयार कर रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ठाकुर जी ने ये जो पेटीकोट ब्लाउज पहना था, ये मैंने इनको नहलाया था, नहला के मैंने इनको कॉटन के पेटीकोट ब्लाउज में ही बिठा दिया था। और मैंने बोला था थोड़ा मैं घर का काम कर लूँ, थोड़ा कुछ नाश्ता पानी बना लूँ, कुछ तैयारी कर लूँ लड्डू गोपाल को। मैंने धीरे धीरे उनको नहला दिया था, और ठाकुर जी को मैंने थोड़ा लेट नहलाया था। तो उनको मैंने पहले नहलाया, उसका वीडियो मैं बना के डालना भूल गई। अभी क्या है, कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं और थोड़ा समझ नहीं आता। वही जब चीज़ हो जाती है तो सोचते हैं अरे इसका तो व्लॉग बनाना था, तो भूल गई, वो ऐसा हो जाता है। और जैसे ही मतलब कर लेते हैं काम, वैसे याद आता है अरे रिकॉर्डिंग लगाना तो भूल गए। तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी का नहाना भी आपने देखा ही हुआ है, तो आगे कभी याद रहा तो फिर नहलाना भी दिखा देंगे उनका। तो यहाँ पर मैंने ठाकुर जी को जैसे फिरोजी कलर के कपड़े पहनाए, और साथ में उनका मैंने श्रृंगार किया, उनके ऊपर सिल्वर का मतलब आता तो सब कुछ उभर के है, पर सिल्वर में इतने सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी। और आपको मैं सीरियसली बताऊं, जैसे जैसे मैं उनको कपड़े पहना रही थी ना, वैसे वैसे मुझे खुशी हो रही थी कि पहले जो मैं बनाती थी उनमें कई बार मुझे उधेड़ना पड़ा, कई बार मुझे दोबारा सिलाई करनी पड़ी, कई बार कपड़े खुले सिल गए थे मुझसे, बड़े सिल गए थे, कई बार बिल्कुल छोटे सिल गए जो उनको आए ही नहीं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ भी उधेड़ के दोबारा सिलना नहीं पड़ा, फर्स्ट अटैम्प में ही ये कपड़े अच्छे सिल गए और सुंदर भी लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि सुंदर नहीं, बहुत सुंदर लग रहे थे, सुंदर नहीं बहुत सुंदर लग रहे थे। कृष्णा जी तो बस मैं क्या बताऊँ, मैं उनको देखती रहती हूँ, राधा रानी को देखती रहती हूँ।
पता नहीं मेरे को लगाव कृष्णा जी से है, पर जब मैं तैयार करती हूँ तो मुझे राधा रानी बहुत सुंदर लगती हैं। कृष्णा जी से भी ज़्यादा सुंदर राधा रानी लगती हैं, क्योंकि वो पर्स लेती हैं, हाथ में लटकाती हैं, फ्लावर लेती हैं, फिर उनके मांग टीका लगता है, नोज पिन डालते हैं, तो बड़ी सुंदर सी लगती हैं राधा रानी। वो ऐसा परी की परी जो होती है ना, वो लगती हैं बहुत सुंदर मुझे। तो यहाँ पर मैंने पगड़ी बांधी नहीं है, ऐसे ही तीन कलर की स्टॉकिंग की पट्टी सी बनाकर मैंने उसको मैच करके लगा दिया। और ज़्यादा ऊपर मैंने उनके सर के ऊपर ज़्यादा मतलब कुछ लगाया नहीं, सिंपल सिंपल सीक्वेंस थी मेरे पास एक दो, मैंने वही लगा दी उनको छोटी छोटी। और यहाँ पर टिक्का भी मैंने वाइट कलर का ही लगाया उनको, छोटा सा एक छोटा सा पड़ा था उसका मैचिंग बन गया। और यहाँ पर मैंने उनके सर पे छोटे छोटे से मेरे पास पड़े हुए थे, जैसे ये ब्लू कलर फिरोजी कलर मैचिंग था और एक सिल्वर कलर था, बस इतना सा ही लगाया मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई और कलर जचता ही नहीं था, रेड वगैरह ऑरेंज वो सब अच्छे नहीं लग रहे थे, सिर्फ यही कलर अच्छा लग रहा था। राधा रानी को ब्लाउज इतना परफेक्ट आया, मैंने सिली तो विदाउट स्लीव थी, थोड़ी सी स्लीव पता नहीं कैसे बन गई, और ये बैकलेस होता है जो वो वाला ब्लाउज था, मैंने ट्राई किया पर ये भी बिल्कुल परफेक्ट आया। थोड़ा सा ये स्कर्ट जो बनाया है उसका जो ऊपर का नेफा होता है वो थोड़ा सा मुझसे मोटा बन गया, क्योंकि नीचे मैंने लाइनिंग लगाई थी, पर ये भी एकदम परफेक्ट आ गया। तो मुझे, मैं अभी भी जैसे बात कर रही हूँ तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि अरे कपड़े इतने परफेक्ट आ गए। ज्वेलरी जो है ये मैंने आपको व्लॉग में पहले दिखाया था कि ये मैं मुंबई से ख़रीद के लाई थी, हाँ, ठाकुर जी और राधा रानी के लिए ज्वेलरी, और यही मैंने इनको पहनाई एक अच्छी वाले दिन, और ये भी इसके साथ फुल मैच कर गई, बहुत 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 सुंदर लग रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इनको जब तैयार करती हूँ तो मेरा मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और मेरा जो गला है वो भर आता है, और मैं ऐसे हाथ जोड़ के थोड़ा थोड़ा तैयार करती हूँ और हाथ जोड़ के सामने खड़ी रहती हूँ, इनको निहारती रहती हूँ, तो सोचती हूँ हाय इनको नज़र ना लग जाए, क्या करूँ, मैं देखती रहूँ। अभी आजकल तो ज़्यादा समय मेरा ऐसा हो गया है कि मैं कुर्सी डाल के माला भी उनके सामने बैठ के ही फेरती हूँ और उनको देखती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है जब मैं माला फेरती हूँ तो माला फेरते फेरते कैसा होता है कि हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है, कहीं और बैठ के करती हूँ माला तो मेरा ध्यान कहीं और भटक जाता है, मेरे मन में कहीं कहीं 10-10 हज़ार विचार आते हैं, कभी किसी चीज़ से, बच्चों से रिलेटेड हो गया, घर के काम से रिलेटेड हो गया, ऐसा करके मेरे को ऐसा लगता है कि बस मन में ख्याल आते हैं तो माला में इतना ध्यान नहीं लग पाता। तो पता नहीं एक दिन क्या हुआ, अचानक मैं कुर्सी डाल के सामने बैठी, माला फेरने लगी तो मुझे ऐसे फिरते फिरते माला उनको देखती थी तो ध्यान कहीं भटकता ही नहीं था, तो मेरे को ये अच्छा लगने लगा, मैंने कहा यही करो, इनके सामने बैठ के माला फेरो और ये भटकने नहीं देंगे हमारा दिमाग, कहीं माइंड भटकने नहीं देंगे। आपको मेरा ये एफर्ट, मेरी ड्रेस, मेरे सिले हुए ड्रेस और श्रृंगार आपको कैसा लगा, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और आप इसको आगे आगे बढ़ाइएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आने वाले व्लॉग में आपको और ड्रेसेस सिल के दिखाऊंगी, क्या क्या सिल सकती हूँ, क्या क्या नहीं सिल सकती वो तो भगवान ही जानता है, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी सिलने की, और आप इसको आगे आगे शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। यहाँ पर मेरे को खांसी आ गई थी इसलिए मुझे बंद करना पड़ा, और यहाँ पर सुबह मैंने ठाकुर जी को जब एकादशी का व्रत था कि श्रृंगार वगैरह कर लिया तो मैंने साबूदाना बनाया था थोड़ा सा, मैंने उसी का उनको भोग लगाया,
और थोड़ा सा दही था और एक आध बनाना और एक आध फ्रूट था, उसी का भोग लगाया। और नेक्स्ट डे मैंने दिन में मैंने उनको प्रॉपर खाने का भोग लगाया जो अन्न खाते हैं, क्योंकि किसी ने बोला था आपका व्रत है, ठाकुर जी का व्रत नहीं है, उनको अन्न का भोग लगाइए। तो फिर दोपहर को मैंने लंच का भोग लगाया और उसके बाद नेक्स्ट डे का भी क्लिपिंग मैंने इसी में जोड़ दिया है। लड्डू गोपाल का ड्रेस चेंज हो चुका होगा क्योंकि वो नहा के कपड़े उन्होंने चेंज कर लिए, ठाकुर जी और राधा रानी के बाद में चेंज हुए, तो जब होंगे तब होंगे, तो उनको चेंज हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने नाश्ते का भी आपको अटैच कर दिया सुबह का, जो भी बनाया था ये लंच था, और उसके बाद आप वो भी देखिए। और बस मैं अब बातें बहुत कर चुकी हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।